अस्सलाम वालेकुम, बुरहान वालास में आपका खैर मकदम है। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गुड़ कैसे बनाते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। आप हम इस वक्त पंजाब में हैं, तो जो आप ये मशीन देख रहे हैं जिसमें जो ये गन्ना डालते हैं, पहले तो जो गुड़ होता है वो तो गन्ने का बनता है। क्या चाचा, गन्ने का ही बनता है? इसका जूस निकलेगा, इधर आएगा, इसका जूस निकलेगा, पहले इस मशीन में डालेंगे, फिर जो ये पाइप लगी है यहाँ से, ये पाइप से इधर तो आएगा, ये यहाँ से वहाँ जाएगा उसमें, तो उधर से वो अंकल वो उधर से फिल्टर करके वो इसमें फिल्टर होके आ रहा है, जाली लगी हाँ, उधर से आएगा वो इसमें, इसमें आके फिर वो गर्म होगा थोड़ा। अच्छा, गर्म होगा, थोड़ा गर्म होता है वो, इसके बीच में आगे निकल रहे हैं, तो फिर आप निकाल के इसमें डाल देते हो, डालेंगे फिर उधर से निकाल कर इधर इसमें डाल देते हैं, फिर पकेगा, फिर ये उबालते हैं, उबालते हैं, जब तक ये मोटा नहीं हो जाता है तो तब तक ये ऐसे रखते हैं थोड़ा ना, जिसको कश्मीर में हम बोलते हैं पाक, जब तक इसमें नहीं लगेगा फिर इसमें ये ना वो ये कुछ ये ना डालते हैं जिससे ये साफ हो जाता है, जो इसका गंध होता है वो बाहर निकल जाती है, फिर इधर से डाल के उधर वो डालते हैं उसमें। आप देखिए वहाँ थोड़ा सा बना हुआ है, ये इसमें डालते हैं, तो आप देख सकते हैं ये गुड़ तैयार, फिर इधर पक के फिर ऐसे होगा उधर तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पेशल गुड़ कैसे बनाते हैं, कश्मीरी भी देख लो, जम्मू कश्मीर के भी ये लोग देख लो, और वीडियो को शेयर भी कर देना, दिखा लेना कि पंजाब में कैसे गुड़ बनाते हैं। हम चाचा से बात करेंगे, चाचा आप बोलिए कि गुड़ कितनी देर में तैयार हो जाता है? एक घंटा बेटा, इसी में सिर्फ हाँ। तो जब उसमें निकालते हो आप, उधर से कितना टाइम लगता है? उसमें भी लग जाता है आधा घंटा निकालने को लग जाता है, वहाँ फिर गर्म होता है, गर्म होकर डेढ़ घंटा यहाँ भी लग जाता है, मगर ये पूरा प्योर होता है, ये प्योर होता है, इसमें कोई चीज की मिलावट नहीं हुई, जो जूस निकलेगा इधर आएगा, इधर से इधर से प्योर, तो इसके बाद ये प्योर बनता है। आप देखिए जब ये इससे निकालेंगे भी, वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जब निकालेंगे, जब वीडियो बना ले, ये बहुत अच्छा है खाने के लिए, बहुत अच्छा है, और गर्म में ये सर्दियों में ज्यादा पसंद करते हैं लोग इसको खाना, ये तो बहुत अच्छी चीज है। देखिए जो फिर इसके वो ऊपर से वो जो गंध निकलती है इसमें वो इधर डालते हैं, तो ये किसमें लगती है फिर? ये तो सूर नहीं होता, सूर हाँ हाँ, उसके खाने के काम है। अच्छा, उसके खाने के काम है, खा लेता है ना इसको। ठीक 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 ठीक, मीठा होता है, हाँ ये तो बहुत मीठा होता होगा, और चीनी भी इसकी बनती है? हाँ चीनी भी इसी बनती है, तो वो नहीं आप बनाते हो? नहीं, उसमें वो तो बड़ी मिल में बनती है, वो इसमें बनती है, ये थोड़ा नरम रखना पड़ता है, ये चाड़ के लेना पड़ता है, नरम रख के उसको वो बहुत सख्त ड्रम में पाना पड़ता है, ड्रम में पा के मशीन ले आनी पड़ती है, मशीन से गेड़ के फिर बनती है। देखो आप, इसी का बनता है ये ना, जो चीनी भी इसी की बनती है, जिसको हम शुगर बोलते हैं, वो भी इसी की बनती है। तो जब आप ये इसमें डालेंगे ये ना, जो वो गुड़ है, जब वो इसमें डालेंगे और जो स्पेशल गुड़ होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। में उसमें थोड़ा पता 7 पीपे में कैंसर बनेगा, ये 15 kg 18 kg बनेगा। गुड़ इसमें तैयार होने लगा है, आप देखिए कलर इसका चेंज हो गया जब इन्होंने ये बंद कर दिया। अब ये इसमें निकालेंगे तो इसमें ये स्पेशल बनाएंगे, इसमें स्पेशल बनेगा गुड़, वो भी आपको मैं पूरा दिखा लूँगा। Thank you.
ये इस वक्त इसका जूस निकाल रहे हैं। तो ये इधर जाएगा, फिर इधर से निकाल कर इसमें डाला जाएगा, फिर उबाला जाएगा जब एक डेढ़ दो घंटे, उसके बाद फिर इसमें डाला जाएगा, फिर बनेगा इसमें गुड़। आप देखिए जूस निकलता है करने का, फिर गुड़ बनता है। तो इन्होंने हमें टेस्ट करने के लिए ये जूस भी इसका दिया। और इसका टेस्ट क्या बोलूँ, जम्मू कश्मीर वाले लोग कहाँ ये वाला जूस पी सकते हैं, क्योंकि यह तो सिर्फ पंजाब में ही गंदा बनता है, नहीं बनता है। आप आइए कभी पंजाब, और हमारे पंजाबी भाई है वो आपकी खातिरदारी करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो आप भी याद रखेंगे और हम भी याद रखेंगे जब हम इधर से वापस जाएंगे घर। और इसका टेस्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है। ले आ रे नून ले आ सचो ले 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 खड़ जाओ, नमक डाल दिए इसमें कुछ चला खड़ जाओ जी, फिर एक कमरे कर दे। नहीं नहीं, और आप देखिए कि ये पकने लगा है अब, तो ये गाढ़ा होने लगा। तो अब ये तैयारी में है कि अब इधर से इधर डाला जाएगा इसमें। हाँ देखिए आप, बस ये तैयार हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं गुड़ का ही बिजनेस करूंगा, क्योंकि गुड़ में बहुत मज़ा आता है देखने में भी। तो अभी मैंने किया नहीं ये काम, तो प्लान बन रहा है मेरा कि आगे मैं यदि पंजाब में दो तीन खेत लूँगा तो यहीं मैं ये काम करूँगा। और आपको भी यहीं से जो कश्मीर वाले होंगे और कहीं भी होंगे, ऑर्डर पर मैं दिया करूँगा सारों को। ये अंकल ये क्या बना रहे हो आप? ये क्या? ये टिक्की बनाएंगे जो स्पेशल बनती है। स्पेशल बनती है जो। तो इसमें आप क्या क्या डालते हो? इसमें घी डलेगा देसी। हाँ ये देसी घी डाल रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर इसमें जवैन गिरेगी। जवैन? हाँ। फिर इसमें मगज गिरेगा। फिर इसमें मगज गिरेगा। बिल्कुल। हाँ, मगज गिरेगा। फिर खोपे का बुरादा। खोपे का बुरादा। सौंफ। और सौंफ। और एक गिरी। और ये काजू। काजू की गिरी। काजू की गिरी इसमें गिरेगी। ये गुड़, स्पेशल गुड़। देखिए चाचा को याद रखना, अगर आप भी कभी पंजाब आओगे तो आप इन चाचा के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये तो इधर पेट्रोल पंप के साथ में हाईवे पे हैं। चाचा इस जगह का नाम क्या है? ये कालगढ़ बोलते हैं इसको। इसको कालगढ़ पंजाब। हाँ ये गहरी है। कालगढ़ गहरी है। हाँ फिर क्या है? कालगढ़ पंजाब में ये है चाचा। आप आइए, ये बहुत खातिरदारी आपकी करेंगे और आपको जूस भी ये पिलाएंगे जैसे मैंने आपको दिखाया पहले। चाचा जो इधर आएंगे कश्मीर से उनको जूस आप पिलाओगे? हाँ पिलाएंगे, जरूर पिलाएंगे यार, जितना मर्जी पेट भर के पियो। पेट भर के पियो, जितना आपको मर्जी उतना आप पियो, मगर इधर चाचा लिमिट में ये देते हैं, क्योंकि इनको पहले बहुत सारों के साथ बात करके होती है, तो ये कम लिमिट में ये देते हैं ये ना। तो मैंने भी इनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी, मुझे लगभग 10-15 किलो दे दो, मगर उन्होंने नहीं माना। ये बोल रहे हैं 4-5 किलो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं हम दे सकते हैं। तो चलिए अब इतना भी काफ़ी है, खिलाएंगे कश्मीरियों को, अपने कश्मीर में जाकर खाएंगे और चाचा को याद करेंगे सारे कश्मीरी। आप
ਹੋਰ ਕਣਕੇ ਤੇ ਸਕੂਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਰੋਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਕ ਲਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਰ ਗਿਆ थोड़ी जी ब्रांच बना ला पकड़ी मूंगफली जो कटनी तो आप देख सकते हैं ये पूरा पक गया। पूरा पक गया ये चाचा। तो अब ये इधर से वहाँ से इधर ये डालेंगे। ये पूरा पक गया और तैयार हो गया, इसमें डाल दिया। हाँ ये तो स्पेशल वाला बन रहा है। वो डाल दो चाचा। खाने नुतर लाने पीछे मोड़ लाने ये अब जमने के लिए इसमें डाल दिया। ये गुड़ है, अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो गुड़ तैयार हो गया। जो ये वाला है ये स्पेशल वाला है। देसी घी की मुश्क आ रही है। देसी घी चाचा, आप कितना टाइम इसमें जमने में लगेगा? अभी लग जाएंगे 20 मिनट। 20 मिनट जमने में लग जाएगा, फिर ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये जवानी इसमें डाल रहे हो आप। ये बिल्कुल स्पेशल और प्योर बन रहा है, और खुद देखा आपने, तो इसके लिए तो एक लाइक अब बनता ही है आप सब भाइयों का। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आप सब तक नई नई वीडियोस आती रहेगी। देखे आप कैसे ये जमने लगा। अब देखो शक्ल ये पकड़ने लगा। अब गुड़ की देखो, गुड़ बन गया, तैयार हो गया। हो गया अभी गुड़ तैयार हो गया। इसमें बाद में मलाई करेंगे, शक्कर बना देंगे, उसके बाद बन जाएगा। बनता हम भी गया, तो जो कहता है तू गुड़ जाता है, जो ऐसे बनाना पड़ता है वो गुड़ बन गया। पहले गुड़ बन गया, फिर हाँ। तो शक्कर बन जाएगा। अच्छा, शक्कर आपको इसका बनाना है। अभी गुड़ तो बन गया, तैयार है। हाँ, शक्कर इसको मलाई हो गया। देखो उसको पीड़ी में ऐसा होता है,
जो प्योर गुड़ होता है वो ऐसे होता है, जो डुप्लीकेट गुड़ वो कश्मीर में आप देख सकते हो बोरियों में जो आता है। मेरे किस हिसाब से प्योर ये बनता है। ये तैयार हो गया, ये गरम गरम है। हाँ, गरम गरम है खाने के लायक है। देखिए आप, ये तो मजा ही हो रहा है खाने का। और इसका टेस्ट आप देखते हैं, ये तो मजा ही बहुत हो रहा है। इसका टेस्ट तो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा इसका टेस्ट कैसा होगा। सही बात, और बहुत जबरदस्त का टेस्ट है। मेरा गरम भी आना तो ये खा लेता सारा, अगर गर्मी हो जाएगी फिर मर जाएगा इंसान। इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त है। जो खांसी हो जाती है इसमें, खांसी भी हट जाती है, गले में खांसी भी हो जाती है। खांसी मेरी खत्म हो जाएगी। हाँ। और आने वाली वो भाग जाएगी। हाँ। और चाचा को देखे आप, चाचा बड़ा मस्त चाचा है। अभी देखो गुड़ बन गया, बाद में इसका इसमें मड़ाई करेंगे। हाँ। शक्कर बन जाएगा, शक्कर बन जाएगा। और बड़ा जबरदस्त है। अब चलिए, आपने पूरी वीडियो देखी और पूरा वीडियो मैंने दिखाया, गुड़ भी कैसे बनता है, शक्कर भी कैसे बनता है, पूरा सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। और यहाँ से जो स्पेशल जो गुड़ है वो भी मैंने आपको दिखाया कैसे बनाते हैं। अब आप आइए चाचा के पास, आप लीजिए यहाँ से, और टेस्ट तो इसका बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने जैसे बोला कि कनाडा, यहाँ से बंदे ले जाते हैं, बहुत सारे कनाडा भी ले जाते हैं। तो जब भी आप इधर आओ, चाचा के पास आओ, बड़ा मस्त बना के और सामने बनेगा, कोई मिलावट नहीं। देखा मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, चाचा ने पूरा तैयार किया मिलावट के बगैर, और बढ़िया जबरदस्त है। चले, जो भी नए होंगे इस चैनल पर, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।